हेलो, नमस्कार दोस्तों। 15 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आज यहाँ पे आया है ये एक्चुअली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इस आर्टिकल हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है ये एक्चुअली दिया गया है कि इंडिया में किस तरीके से वायलेंस, हिंसा वगैरह है वो बढ़ रही है और किस तरीके से हमें नई ईरा में स्टेप वगैरह वो उठाने हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि हमें नई स्मार्ट टेक्निक चाहिए, उसकी हेल्प से हम जो भी वायलेंस वगैरह है उनको हम एक तरीके से उनका सामना है वो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो ये आर्टिकल दिया गया है ये एक दिया गया है इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में कि भाई इंडिया और मालदीव के रिलेशन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, किस तरीके से हम उनमें सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे आर्टिकल है, भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है वो किस तरीके से बढ़ती, मतलब ट्रांसपोर्ट की समस्या किस तरीके से बढ़ती जा रही है और सिटीज़ का हाल कितना बुरा हो चुका है, हमें किस तरीके के स्टेप हैं वो उठाने चाहिए और गवर्नमेंट को भी क्या क्या स्टेप उठाने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल आप नाम से पता चल रहा है कि साफ साफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई इंडिया को किस तरीके से एक नया मौका मिला है इस एस सी ओ की जो मीटिंग हुई है अभी समिट हुआ, इसके तहत कि अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकता है और सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने रिलेशन को और ज़्यादा प्रगाढ़ है वो बना सकता है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन है वो स्टार्ट करें। सबसे पहला जो यहाँ पे आर्टिकल आज देखते हैं वो देखते हैं हम सिटीज़ के बारे में कि भाई इंडिया की सिटीज़ की हालत कैसी हो रही है, सिटी में किस तरीके से भीड़ वगैरह है वो बढ़ रही है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे देखते हैं। तो को सबसे पहले थोड़ा डाटा दिया गया है, अगर आपको याद हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप रटने बैठो। स्टार्टिंग में बताया गया है कि देखो 1981 की बात की जा रही है कि उस टाइम पर सिटीज़ की पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 5.4 मिलियन, और अभी देखा जाए 2015 में वो हो गया 210 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो कंपैरिजन की बात ही नहीं है, दुगुने तिगुने की बात भी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बहुत गुना है वो यहाँ पे बढ़ गई है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमारे सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और एक तरह से आप बोल रहे हो कि अनियमित ग्रोथ है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई धीरे धीरे बढ़ रही है, बस सडनली बढ़ रही है, कोई भी पैमाना वगैरह कुछ भी नहीं है। लोग हैं वो आँख बंद करके सिटीज़ की तरफ लगातार अग्रसर हैं वो हो रहे हैं। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो सिटी में वो पॉल्यूशन की समस्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई देखो समस्या वो क्यों ज़्यादा विकट होती जा रही है, मतलब सिटी की हालत है वो ख़राब क्यों हो रही है। राइटर के द्वारा कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं कि देखो एक तो आज के टाइम हम देखें तो किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे बहुत बुरी भीड़ है वो देख सकते हैं। इवन आप एग्जांपल ले लो दिल्ली का ही, दिल्ली में शाम को आप देख सकते हो कि 5-6 बजे के बाद इतनी ट्रैफिक हो जाता है सिटी रोडों पर कि लोग इधर उधर कहीं आ जा नहीं सकते गाड़ियों से, फिर भी लोग गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। इसके बाद में बात आती है एनर्जी सिक्योरिटी की, कहीं ना कहीं हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी स्टेप उठाने होंगे, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम ज़्यादा इतने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं कि हम कोई ना कोई स्टेप उठाएं, हम आँख बंद करके व्हीकल्स का यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी नुकसान हो पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट भी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि देखो सिटी में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के आप एग्जांपल ले लो, सिटी में एग्जांपल दिल्ली का ही ले लो चलो, कि दिल्ली में देखो किस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट किस लिमिट तक सिटी में जो लाइट वगैरह वो प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि कोई ना कोई तो लिमिट होती है ना गवर्नमेंट की भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड कराने की। इसके बाद में बात आती है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की समस्या वो आज के टाइम पर हमारे देश की सभी सिटी की मेजर प्रॉब्लम है वो बनती आ गई है। अब देखो पोल्यूशन क्या करता है, पोल्यूशन अकेला ऐसा नहीं है कि लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है, हेल्थ की वजह से लोगों की इकोनॉमी है वो भी इफेक्टेड होती है, और हमारे देश की GDP को भी इससे नुकसान है वो पहुँचता है। मतलब कि सारी चीज़ें हैं ना ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होती हैं। जैसे आप एक ट्रैफिक का एग्जांपल ले लो, जो ट्रैफिक भीड़ वगैरह ही, अगर देखो ट्रैफिक पे ज़्यादा भीड़ होगा क्या, लोग ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऑब्वियसली टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे इसका मतलब क्या है कि वो अपना ऑफिस का काम भी टाइम पर नहीं कर पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं उनका काम पीछे रहेगा, तो ऑब्वियसली आप तक को पता है कि इकोनॉमी को लॉस तो होने होना है ना, तो उससे GDP को भी नुकसान पहुँचेगा। अब बात की जा रही है पॉल्यूशन की, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो लोगों की हेल्थ वो खराब होगी। अब आपको पता है अगर इंसान की हेल्थ खराब होगी तो काम कहाँ से करेगा बेचारा, अगर वो उसकी हेल्थ खराब रही वो छुट्टी वगैरह पे लीव के रह रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी है वो भी डामाडोल हो जाएगी, और उसकी इकोनॉमी के साथ साथ देश की इकोनॉमी और GDP है वो भी अपने आप नीचे वो आ जाएंगी। तो मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अब बात यहाँ पे की जा रही है आगे, अगला देखो पॉइंट राइटर के द्वारा एक पॉइंट दिया जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे देश में वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने भी स्टेप वो प्रॉपर ढंग से नहीं उठाए। आप देखो एक बेसिक चीज़ देख सकते हो कि लोग है वो मेनली मेट्रो वगैरह में या बसों वगैरह में ट्रेवल क्यों नहीं करना चाहते लिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते कि उनके लिए सही ढंग से एक तरह से अफोर्डेबल नहीं है, ना ही उनके लिए ढंग से कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि कोई इंसान है वो मेट्रो स्टेशन से बेचारा 1-1.5 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो वो 1-1.5 किलोमीटर दूर से मेट्रो तक जाए कैसे, उसके लिए जाने के
लिए भी कोई ना कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना। अगर वो रिक्शा वगैरह लेता है तो फालतू के 15-20 रुपये आने जाने के जो भी एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो इंसान सोचते हैं कि क्यों ना यार मेरी बाइक लेके चला जाऊँ। तो ऐसे ही इसी रीजन्स की वजह से क्या होता है कि लोग अपने जो पर्सनल व्हीकल है उनको यूज़ करते हैं कि यार बार बार जगह जगह इतने पैसे देंगे, इससे अच्छा है कि इतने रुपये में तो मैं मेरा पेट्रोल खर्च करके चला जा सकता हूँ। और यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लोग हैं वो ज़्यादा अपने पब्लिक व्हीकल की बजाय अपने पर्सनल व्हीकल को प्रायोरिटी है वो देते हैं। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कदम उठाने की सख्त जरूरत है कि भाई लोगों के जो एक तरीके से आप बोल सकते हो ना कि लोगों के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और लोगों के लिए आराम से इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को बीच बीच में तीन तीन चार चार बार मेट्रो चेंज करनी पड़ रही है, बस चेंज करनी पड़ रही है, फिर लोग अपने ऑफिस पहुंच पा रहे हैं। तो लोग सोचेंगे यार इतनी बार बस चेंज करता ही रह जाऊंगा मैं, इससे अच्छा है कि मैं खुद की गाड़ी लेके चला जाता हूँ। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। अब राइटर के द्वारा कुछ स्टेप भी बताए जाते हैं कि भाई हमें कौन कौन से स्टेप हैं वो उठाने होंगे तभी हम अच्छा रिजल्ट वो पा सकते हैं, सिटीज़ की जो भी समस्या है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली बात की जा रही है पोल्यूशन की। देखो एक तो मेट्रो और बस की कनेक्टिविटी है ना, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। मतलब हमें इतनी कैपेसिटी तैयार करनी होगी मेट्रो बसों की ताकि लोग आजीली उन बसों में आ जा सकें। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि बसों में और मेट्रो में अनाफ ना भीड़ जा रही है, लोग आराम से जा ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी क्या फ़ायदा। तो मतलब एक तो हमें आराम से जो रूट वगैरह वो अवेलेबल कराना होगा। इसके साथ में बात की जा रही है कि अफोर्डेबल सुविधा, मतलब लोग इजीली अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक इंसान है वो चार बार मेट्रो चेंज करके अपने ऑफिस पहुंच रहा है, दो बार उसने ऑटो ले लिया शेयर ऑटो, उसके बाद वो बस में जा रहा है, फिर मेट्रो में जा रहा है, तो अफोर्डेबल नहीं रहा कहीं ना कहीं, मतलब उसके लिए कन्वीनियंट नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में भी कदम उठाना होगा। इसके बाद में बात की जा रही है पार्किंग की, कि पार्किंग का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो गवर्नमेंट को इस दिशा में भी कदम उठाने होंगे। पार्किंग जो इलीगल पार्किंग होती है उसके ऊपर लगाम लगानी होगी ताकि लोग जो फालतू के व्हीकल्स वगैरह लेके जाते हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम है वो लग सके। इसके बाद में बात की जा रही है कि एक अल्टरनेटिव तैयार करना होगा। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो आजकल आपको पता है गवर्नमेंट कई बार कहती है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो कि भाई जो जो भी मतलब पार्किंग वगैरह है उसके दाम बढ़ा देती है कि पार्किंग वगैरह की रेट बढ़ा दो। अब पार्किंग की रेट बढ़ाने से सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, गवर्नमेंट को व्हीकल प्रोवाइड कराने होंगे ना कि लोग इजीली व्हीकल्स में जा सकें। मतलब व्हीकल की जो कनेक्टिविटी है वो होनी चाहिए कि लोग आराम से व्हीकल को एक्सेस कर सकें, गवर्नमेंट के बस वगैरह को, मेट्रो वगैरह को, ताकि वो जानबूझ के जाएं नहीं अपनी बसों में, मतलब जान बसों का मतलब सोच जानबूझ के वो अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करें। देखो जब लोगों के पास इजीली सस्ते में विकल्प रहेगा तो लोग आराम से उस विकल्प का यूज़ करेंगे, बट अभी हो क्या रहा है लोगों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। लोग सोचते हैं यार पांच पांच बार मेट्रो मेरे से तो चेंज ना होने वाली, ना ही मैं इतनी बार बस में जाने वाला, इससे अच्छा है कि मैं मेरी गाड़ी लेके चला जाता हूँ। मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो क्रिएट करने होंगे लोगों के लिए ताकि लोग आराम से जा सकें और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि किराया इतना महंगा हो कि उसमें तो इंसान है वो दो बार पेट्रोल से आ जा सकता हो। इसके बाद में बात की जा रही है कि शेयर्ड सर्विस की, जिस तरीके से ओला और उबर की जो शेयर्ड सर्विस होती है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उसमें भी कुछ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वो लेके आनी चाहिए। और जो भी ट्रांसपोर्ट के रूल हैं उनको थोड़ा नॉर्म मतलब एक अफोर्डेबल रूल होने चाहिए कि ताकि लोग उसको आराम से अफोर्ड कर सके ट्रांसपोर्ट रूल को। इसके बाद में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ये लेकर आना चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, कि भाई मेट्रो की कनेक्टिविटी वो भी लास्ट माइल तक होनी चाहिए कि लोग अपने पर्सनल व्हीकल यूज़ कर ही ना सकें। क्यों क्यों इसलिए स्टेप गवर्नमेंट को उठाने होंगे कि गवर्नमेंट कनेक्टिविटी सब जगह आराम से प्रोवाइड करा दें कि लोग सोचें ही ना कि यार मैं पर्सनल व्हीकल यूज़ करूँ। तो इसकी दिशा में कदम उठाना है। इसके बाद में एक अहम रीज़न आता है फीमेल के लिए, वो आता है सिक्योरिटी, कि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करानी होगी। देखो जिस तरीके से दिल्ली रेप केस हुआ था उसके बाद ये चीज़ सामने आई थी, और उसके बाद खैर दिल्ली मेट्रो ने एक कदम भी उठाया कि मेट्रो का जो एक कोच है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है वो कर दिया था। तो इसी तरीके से हमें और भी नए स्टेप उठाने हैं, केवल एक कोच को रिजर्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें इसके साथ साथ उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाने होंगे। इवन देखा जाए तो बस में भी उनकी सिक्योरिटी जरूरी है और बाकी सब जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, प्रशासन का एक कर्तव्य बनता है। तो ये सारे गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए। लास्ट में आर्टिकल में कंक्लूजन यही कह जा रहा है कि देखो सिटी की पॉपुलेशन वो अनियमित रूप से बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल मतलब लगाम लगाते हुए आगे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज है वो करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन है वो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोटेस्ट और इंडिया के बारे में, कि भाई देखो इंडिया में किस तरीके से प्रोटेस्ट वो चल रहे हैं और किस तरीके से इंडिया को स्टेप उठाने चाहिए। देखो इसमें एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मेनली सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप देखते हो किसी भी रेप केस वगैरह का, कहीं भी आप एग्जाम्पल ले लो कि जब भी कोई रेप केस वगैरह होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, तो लोग क्या करते हैं प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, रेल वगैरह को रोक लेते हैं, बस वगैरह को रोक, ऐसे मतलब एक तरीके से काफ़ी हिंसक कामों को करना शुरू कर देते हैं। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो इन हिंसक जो ये काम किए जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुँचाया जाता है या फिर प्राइवेट चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है, उससे कोई सोल्यूशन ही नहीं करने वाला है। हमें रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें रूट की तरफ जानना होगा कि भाई ये
समस्या विकट हो क्यों रही है, मतलब हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्रशासन हमारा क्यों ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हमें उस दिशा में कदम उठाना होगा, हमें केवल बाहर से लिपापोती करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और हम बार बार अगर पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि यार हमारा प्रशासन ही बेकार है, प्रशासन बना कहाँ से भाई, प्रशासन हम लोगों से ही मिलकर बनता है ना। तो हमें इन चीज़ों को ब्लेम करने की बजाय हमें रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे स्टेप वो उठाने चाहिए। देखो आज के टाइम पे एक मेजर रीजन ये भी दिया गया, खैर आर्टिकल में इसके बारे में नहीं बताया गया कि गरीब और अमीर के बीच की बात। देखो आज के टाइम पे गरीब और अमीर के बीच के गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या गरीब आदमी है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिप्रेस फ्रस्ट्रेशन में रहता है, और अमीर आदमी है वो आराम से व्हीकल्स, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो तो वो अपनी जो आप बोल सकते हो कि अपनी लाइफ है वो आराम से जीता रहता है। तो गरीब और अमीर के बीच में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट वगैरह जायज़ हैं वो हो जाते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि देखो कई बार क्या होता है कि काफ़ी जो पावरफुल लोग होते हैं, जो भी मतलब पॉलिटिशियन उनके लिंक वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना उनका मिसयूज़ करते हैं, और उसकी वजह से गरीब लोग हैं उनको नुकसान पहुंच पाता है। कई बार क्या कहते हैं जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं, जैसे कोई जज वगैरह कुछ भी कोई पावरफुल लोग हुए, वो क्या कहते हैं गरीबों की प्रॉपर्टी वगैरह हड़प लेते हैं, उनके केसेस वगैरह में उनको लॉस करवा देते हैं। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि गरीब आदमी ज़्यादा डिप्रेस होता है और ऐसे ही मामले में प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो प्रशासन की कमी है, ऐसी कोई बात नहीं कि प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों को जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाए। इसके बाद में बात जा रही, देखो जगह जगह पे इन्वायरमेंट के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन देखा जाए तो जो न्यूट्रिनो की जो लेबोरेटरी बनाई जा रही थी तमिलनाडु में, आपको हिल का नाम बताना है कौन सी हिल में जो लेबोरेटरी वो बनाई जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है वो हिल का नाम, जो कि तमिलनाडु के रीजन में ही आती है, और वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत न्यूज़ में रहा था, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है, तो प्लीज़ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो न्यूट्रिनो की जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है तमिलनाडु में, उसके लिए भी आपको पता है काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई वहाँ पे एनिमल्स को नुकसान हो सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए, दंगे वगैरह हो गए थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी रेगुलेशन वगैरह की। ऐसे माहौल में प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेप केस का एग्जाम्पल ले सकते हो, किस तरीके से हमारे देश में भोपाल गैस जो क्या कांड हुआ था उसमें भी लोगों को काफी नुकसान हुआ था, उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाने की कोशिश तो की थी बट रिजल्ट ढंग से नहीं आया, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें। इसके बाद में जो भी रिसेंटली एस सी एस टी जो एक्ट था उसमें दलितों को शोषण करने की बात की गई थी कि भाई उनकी एट्रोसिटीज उन पर बढ़ती जा रही हैं, तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में लास्ट में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो भाई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अगर ब्लेम लगाते रहेंगे प्रशासन और पुलिस पे कि यार ये काम नहीं करे तो सॉल्यूशंस नहीं निकलने वाला। हमें एक स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक स्मार्ट टेक्निक चाहिए, हमें नई टेक्निक है, नई इनोवेशन है, उन पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम इन अपराध को ये जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर लगाम लग सकते हैं। तो हमें एक नया इनोवेटिव आइडिया है वो लेकर आना होगा। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि देखो लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा, और लॉ अगर नहीं बनाए तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, लॉ बनाने के बाद उसको प्रभावी एक्टिव फॉर्म में लाना होगा, मतलब हमें एक अकाउंटेबिलिटी है ना वो सिक्योर करनी होगी। और अकाउंटेबिलिटी के साथ बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, कि जब तक अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक लोगों का विश्वास वो नहीं बना रहेगा पुलिस में और प्रशासन में। तो हमें लोगों की जो आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी है वो भी कायम रखनी होगी, ताकि लोगों का पुलिस में या प्रशासन में जो विश्वास है वो बना रहे। और इसके लिए हमें स्मार्ट टेक्निक्स हैं उनकी ज़रूरत है साफ साफ, कि कौन कौन सी नई टेक्निक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी इशूज़ हो रहे हैं आज के टाइम पर उनसे निपटा जा सके। और जहाँ पर भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनके रीज़न को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई लोगों के साथ सही न्याय क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद हमें जो स्टेप है प्रशासन को वो स्टेप यहाँ उठाने चाहिए। तो ये इस आर्टिकल के जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है वो कर दिए हैं। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल हमारा है वो है इंडिया और मालदीप के बारे में, तो डिस्कस करते हैं इसको। देखो इंडिया और मालदीप के रिलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंडिया और मालदीप के आपको पता है कि रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, और इवन इंडिया और मालदीप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, काफ़ी क्लोज हैं। इंडियन ओशन में मालदीप की लोकेशन है, लक्षद्वीप के तो काफ़ी क्लोज है मालदीप की लोकेशन। अब बात यहाँ पे की जा रही है कि वहाँ पे जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद यमीन, और जो वहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद नसीब। मोहम्मद यमीन और मोहम्मद नसीब इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और जब 2013-14 के टाइम पे जब वहाँ पे इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, उस टाइम पे यमीन की सरकार आ गई थी और मोहम्मद नसीब की सरकार है वो चली गई थी। तो जो यमीन नई सरकार आई थी वहाँ पे, उन्होंने क्या किया था, नसीब की गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज वगैरह थे मतलब उनको दबाना शुरू कर दिया था, उनको जेल वेल में डालना शुरू कर दिया था, ये सारा सीन वहाँ पे चलता रहा। और उसके बाद हुआ क्या, रिलेशन है वो लगातार तलखी भरे होते गए, मतलब रिलेशन ऊपर नीचे होते गए, हालात ही हो गए कि आज के टाइम पे रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, और ना ही आप ये बोल सकते कि दोनों को उससे प्रॉफिट होने वाला है। मतलब रिलेशन कुछ इस तरीके से हो गए आज के टाइम पे कि उस रिलेशन की वजह से ना तो इंडिया को फ़ायदा हो रहा है और ना ही मालदीव को हो रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो भाई हमें रिलेशन वो इंप्रूव करने हैं, और क्या क्या दोनों कंट्रीज स्टेप उठा सकती हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं।
इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो मालदीव में जो भी रिसेंटली इमरजेंसी लगी थी उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इसी सामने है कि भाई वहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसको एक तरह से सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और वहाँ पे एक तरह से डिक्टेटर से ताना सही है। वो रूल सामने आया था मोहम्मद यमीन का, कि मोहम्मद यमीन है वहाँ पे डिक्टेटर बन के उभर रहे थे और उन्होंने मोहम्मद नसीब को जेल वेल में डालने की कोशिश की थी। उसके बाद वो अलग बात है कि मोहम्मद नसीब ने इंडियन एम्बेसी में शरण ली और वो बाहर चले गए थे, वो सारा सीन यहाँ पे रहा। अब देखो एक बात ये है कि जो मोहम्मद नसीब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो एक्चुअली सॉरी मोहम्मद नसीब है वो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं, वो एक्चुअली चाइना के पाले में काम करते हैं, मतलब वो चाइना की थोड़ी फेवर में रहते हैं। और जो मोहम्मद यमीन है जो कि वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं, वो रहते हैं इंडिया के फेवर में। इसलिए मोहम्मद यमीन ने इंडिया से सहायता भी मांगी थी सिक्योरिटी बोर्ड इमरजेंसी के टाइम पे, कि भाई आप इंडिया को बोला था कि आप आइए और इंटरवेंशन कीजिए और जो भी इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व कीजिए। बट इंडिया ने कहा कि देखो जब तक आपकी तरफ से ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक हम कोई भी स्टेप वो नहीं उठा सकते हैं। अब राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो सीन कुछ ऐसा हो गया कि पीपल टू पीपल टाइज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बट उसके बाद भी कल्चर रिलेशन है उनमें भी काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सप्रेस किया जा रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो इंडियन वर्कर्स हैं उनका वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों के बीच में रिलेशन में तल्खी आती दिख रही है। और एक टाइम ऐसा था कि मालदीप की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी, और आज के टाइम पे मालदीप है वो कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को कहीं ना कहीं दबा रहा है और चाइना के फेवर में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो राइटर के द्वारा कहना है कि देखो दोनों को एक बैलेंस अप्रोच है निभानी होगी, जब तक दोनों एक बैलेंस अप्रोच नहीं लेके आएंगे तब तक दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात की जा रही है यहाँ पे जो भी रिसेंटली रिलेशन है उसकी वजह से, कि देखो जो अभी करंट रिलेशन चल रहा है ना इंडिया और मालदीप के बीच में, वो एक्चुअली किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे दोनों के बीच में ट्रेड है वो बहुत कम हो गया है। अगर आपको पता है कि ट्रेड का लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी है दोनों देशों की वो उसमें लॉस होगा, और इकोनॉमी का लॉस हो रहा है तो मतलब सीधे सीधा क्या है, जीडीपी का नुकसान होना। तो मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीप के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, आपस में रिलेशंस वगैरह ट्रेड वगैरह का लॉस हो रहा है, तो उससे हमारे रिलेशंस की वजह से हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश की और ये मालदीप की ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं नुकसान है वो होने वाला है। तो हमें एक ऐसी अप्रोच लेके आनी है जिससे हमारे रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सकें, और जो कल्चर रिलेशन पहले से बने हुए हैं, पहले से जो टाइज हैं पीपल टू पीपल के बीच, वो भी इम्प्रूव किए जा सकें। देखो ऐसी बात नहीं कि हमारे रिलेशन पहले से ख़राब थे, हमारे रिलेशन पहले बहुत अच्छे थे और अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है। तो दोनों कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए और ये देखना चाहिए भाई इश्यूज है कहाँ पे, उनको आपस में समझौता है उन पे, आपस में जो भी इश्यूज है उनको दूर करके आगे नए सिरे से रिलेशन को आगे लेके आना चाहिए। तो ये था पूरा कॉन्क्लूजन और ये था पूरा जो आर्टिकल में जो नए पॉइंट्स है वो बताए गए थे। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो आया है न्यू एशिया कंसल्टेशन के बारे में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी चाइना में, कौन सी सिटी में हुई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार पहली बार इंडिया और पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में समिट में ऑफिशियली पार्टिसिपेट है वो किया था, क्योंकि दोनों पहली बार इसके मेंबर बनने के बाद उन्होंने ये मीटिंग है समिट है वो हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले एससीओ के बारे में देख लेते हैं। देखो एससीओ है उसमें स्टार्टिंग में 5 मेंबर थे और अभी रिसेंटली उसमें 8 मेंबर हैं। उसमें आपको पता है रशिया भी है, चाइना भी है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी इसके मेंबर हैं, वो बन चुके हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। और मैंने इसके सेंट्रल एशिया की कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। तो अभी यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो भी जो नया समिट हुआ था उससे इंडिया के पास एक मौका मिला है कि इंडिया ये जो इसके 8 मेंबर हैं एससीओ के, उन मेंबर्स के साथ अपनी रिलेशंस को इम्प्रूव हो कर सकता है। बात की जा रही है रशिया के साथ, तो इंडिया के रशिया के साथ काफ़ी वैसे भी रिलेशन अच्छे हैं और ज़्यादा मौका इंडिया के पास आ जाता है। इवन बात की जा रही है चाइना की, कि देखो चाइना के साथ इंडिया के थोड़े रिलेशन है वो लास्ट टाइम डोकलाम इश्यू के बाद थोड़े मतलब तरक्की भरे आ गए थे, तो वहाँ पे भी इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि जब भी समिट होता है तो आपस में बातचीत के थ्रू, अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब है वो भी वहाँ पे गए थे, तो उसी तरीके से नए स्टेप है वो यहाँ पे उठा सकते हैं। तो राइटर का मेन फोकस ये है कि भाई इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है फिलहाल, ताकि इंडिया अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी इंप्रूव कर सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया जो चाहता है कि भाई सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी वो बढ़ जाए, तो इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब इंडिया के बाकी देशों के साथ रिलेशन भी इंप्रूव हो जाते हैं। देखो वैसे इंडिया आपको पता है कि, एक सेकंड आप मैप देख लेते हैं पहले थोड़ा, ये आप यहाँ पे देखते हो सेंट्रल एशिया का मैप है, यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे किर्गिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये यहाँ पे हो गया उज्बेकिस्तान, यहाँ पे मेन कंट्रीज़ हैं
सेंट्रल एशिया की। अब देखो आपको पता है कि ये होगा सेंट्रल एशिया वाला, अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया में जाना है तो क्या करना होगा। इंडिया को सेंट्रल एशिया में जाने के लिए सबसे बड़ी बात एक तो यह है कि यहाँ पे जो पीओके वाला एरिया आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर है, तो इसलिए यहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्टिविटी वो नहीं बन पा रही है। तो इसलिए इंडिया ने एक अपना विकल्प क्या तैयार किया था कि यहाँ पे एक जो पोर्ट बनाया था इंडिया ने चाबहार पोर्ट, इसके थ्रू इंडिया ने सोचा कि यार ईरान पे पोर्ट बनाएंगे, फिर वहाँ से अफगानिस्तान के होते हुए अपनी कनेक्टिविटी है वो अपन मैनेज कर लेंगे। तो ये इंडिया ने एक विकल्प बनाया और यहाँ पे चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी जो लॉजिस्टिक वगैरह सर्विस है वो स्टार्ट भी कर दी है। तो इस तरीके से इंडिया ने सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से जो सोर्सेज है अपना जो विकल्प है वो तैयार कर लिया, और यहाँ पे जाने के लिए अपना रास्ता है वो यहाँ पे मेनली तैयार कर लिया। तो ये तो थी यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो बात ये की जा रही है कि अगर इंडिया अपनी जो रिलेशन यहाँ पे इंप्रूव करता है तो सेंट्रल एशिया से, देखो अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा। ओबियसली हम यहाँ से इस वाले एरिया के थ्रू डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ एक्सेस है जो सेंट्रल एशिया के साथ, वो हम यहाँ पे कर लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट हो जाएगा और उससे हमारे रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। मतलब इंडिया को इससे काफ़ी हद तक फायदा होना सकता है, इसलिए इंडिया को इस वाले बेनिफिट को आगे उठाना या इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। चाबहार फोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी अच्छी बात है, बट इंडिया के पास उससे भी अच्छे मौके वो आ सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा बात की जा रहा है कि G7 और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। देखो G7 में मेनली जो टॉप इकोनॉमिक कंट्री वाली हैं वो है मेनली इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले G8 था तो उसमें रशिया भी इंक्लूड था, उसके बाद क्रीमिया का जो इश्यू हुआ था कि रशिया पे आरोप लगे थे कि भाई रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया और उसकी वजह से G8 को G7 में काउंट कर दिया, बदल दिया गया और रशिया को वहाँ से हटा दिया गया था। तो G7 में आपको पता है कि मेनली जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हुआ आती है, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ है इसमें। तो आज के टाइम पे सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि G7 कंट्रीज़ के बीच में गैप जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, मतलब उनके बीच में रिलेशन है वो ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक अच्छा मौका है कि उनके रिलेशन आपस की में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि G7 को टक्कर वो दे सकता है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को टक्कर देने के लिए SCO बहुत अच्छा रोल है वो अपना निभा सकता है। SCO का जो हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है जैसा कि मैंने बताया, और इसकी थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज वो आपको बता दूं कि रशियन और चाइनीज़ है, मतलब इंडियन जो हिंदी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ना ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना कि यार इंग्लिश वगैरह यहाँ की लैंग्वेज वगैरह है या नहीं है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है SCO की वो अभी रिसेंटली रशियन और चाइनीज ही हैं। तो इसलिए इंडिया को इससे बेनिफिट आगे होने वाले हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर देनी है तो उसके लिए SCO बहुत बड़ा एक तरीके वेपन के तौर पे साबित हो सकता है, इसलिए इंडिया को अपने रिलेशन से बाकी कंट्रीज के साथ इंप्रूव कर लेना चाहिए और जो भी यहाँ पे बेनिफिट इंडिया को मिल सकते हैं उनका प्रॉपर फायदा उठाना चाहिए। इंडिया के पास एक सीधा सीधा मौका है, इससे इंडिया की इकोनॉमिक है वो भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ इंडिया के जो कल्चर रिलेशन बोल सकते हो या फिर ट्रेड रिलेशन बोल सकते हो, इकोनॉमिक रिलेशन हो, सारे रिलेशन में इंडिया को फायदा होने वाला है। तो ऑल ओवर ये सारे इस आर्टिकल में जो पॉइंट वो दिए गए थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये था इस आर्टिकल का मेन सारा जो सारांश वगैरह था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। देखो कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि एक्चुअली हैंडराइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू है। देखो सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि हम अच्छे से क्लियर है भाई ये वो कर सकें, तो या तो हमारे पास एक ऑप्शन ही होता है कि हम जो सुबह की डिस्कशन होती है उसमें या तो PPT के फॉर्म में डिस्कस कर लें कि मतलब इंग्लिश में PPT बनेगी, हिंदी में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बाकी डिस्कशन हमारी हिंदी में ही वो रहेगी। या फिर दूसरा ये रहता है कि जो पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि देखो सारे अगर आप ज़्यादा बड़े फॉर्म में खुद अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आप उनको रिवाइज वो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप जो भी नोट्स बनाते हो वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बनाओ, मतलब 2-3 पॉइंट में जो मेन मेन पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो ताकि रिविजन के टाइम पर आपको समझ में आ जाए कि ठीक है हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। डायग्राम वगैरह बना सकते हो कि हाँ भाई इंडिया को चाह रहा है रिलेशन ऐसे, जिस तरीके से भी आप मैनेज है वो कर सकते हो। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ है कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आगे हम जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।